हे गाइस, कूल गैजेट्स और ऑसम इन्वेंशन के इस वीडियो में आपका एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अमेजिंग और ऑसम गैजेट्स। बेसिकली गैजेट्स बहुत ज़्यादा कूल हैं। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने रखा था एक छोटा सा गिव अवे, तो भाई मैंने गिव अवे का रिजल्ट निकाल दिया है और उन विनरों का नाम मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दिया, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, आज की वीडियो स्टार्ट होगी वॉस्प गेमिंग पैड से। कैसा पैड्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है। अगर आप खेलते हो फ्री फायर या फिर पबजी और चाहते हो एक गेमिंग गैजेट परचेस करना, तो गैजेट स्पेशली आप के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है। आपको सिंपली अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट कर देना है। और गैजेट, जब भी आप इसे सिंपली कनेक्ट कर दोगे, आपका फ़ोन टर्न ऑन हो जाएगा इस गेम के हिसाब से। और गैजेट, आपको सिंपली इस गैजेट को अपने फ़ोन में सेट कर लेना है। उसके बाद गैजेट, इस गैजेट का आपको सेटिंग को ऑन करना है। और गैजेट, अपने हर चीज़ को, मतलब आपके भागने वाला बटन या फिर आपका पंच का बटन या फिर अपने गन चेंजिंग का बटन या फिर स्कोप का बटन या फिर जो सा बटन होता है, उसे आपको इस गेमिंग ट्रिगर के हिसाब से सेट कर लेना है। और जैसे जैसे इसे मूवमेंट कराओगे, ये गैजेट ऑटोमेटिक बहुत तेज मूवमेंट करेगा और आप एक प्रो प्लेयर भी बन जाओगे। गाइस, बेसिकली ये गैजेट बहुत ज़्यादा ओपी क्वालिटी का है, जो गाइस कभी टूटता भी नहीं है। और गाइस, फुली सेंसर पर बेस्ड है, जो आपकी गेमिंग एबिलिटी को बहुत तगड़ा इंक्रीज कर देने वाला है। तो अगर आप इस गैजेट को बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दे गई, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। गाइस, नंबर टू पे आता है लुक स्टैंड। एक ऐसा स्टैंड जो आपके फ़ोन को फुल्ली स्टेबल रखने वाला है। अगर आप चाहते हो कोई मूवी वॉच करना या फिर कोई रेसिपी देख के फूड बनाना, तो गाइस स्टैंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको सिंपली इसके पीछे में इसे माउंट कर देना है और गाइस ऑटोमेटिक ये का स्टैंड हो जाएगा। और आप अगर मूवी देखना चाहो या फिर कुछ भी करना चाहो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या आपके पॉकेट में बहुत ही इजीली कैरी हो जाएगा और गाइस कभी टूटेगा भी नहीं। गाइस, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा स्टैंड है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल फील होने वाला है। अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। गाइस, चलिए मिलते हैं सेल्फी विद स्पीकर से। एक ऐसा स्पीकर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है। बेसिकली गाइस, एक टाइप का सेल्फी स्टिक होता है जिसमें लगा रहता है क्यूट सा स्पीकर, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। गाइस, अगर आप चाहते हो कोई वीडियो शूट करना है जिसके साथ आप साउंड भी गाना भी बजा पाओ, तो गाइस ये गैजेट स्पेशली आप के लिए डिज़ाइन किया गया। इससे आप अपने टिकटॉक वीडियो या फिर कोई भी वीडियो शूट कर सकते हो। इसके पीछे मिलता है आपको उसका एक चार्जिंग पॉइंट, जिसे आप सिंपली चार्ज कर सकते हो। और गाइस, एक टाइप से सेल्फी स्टिक है, गाइस बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसके आगे मिलता है आपको एक फ़ोन माउंट होल्डर, जिसमें आप सिंपली अपना फ़ोन को माउंट कर सकते हो। और गाइस, बेसिकली होता है एक ब्लूटूथ स्पीकर, जिसे आपको सिंपली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देना है। और गाइस, जब भी आप अपने फ़ोन से सिंपली इसे कनेक्ट करोगे, गाइस स्पीकर ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगा। और गाइस, बहुत तगड़ी साउंड प्रोड्यूस करने वाला है। अगर आप चाहते हो एक सिनेमेटिक शॉट शूट करना जिसमें एक गाना भी हो, तो गाइस ये गैजेट स्पेशली आप के लिए डिज़ाइन किया गया, जो आपके फ्रेंड्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई, आप सिर्फ लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। गाइस, हमारे साथ होता कुछ है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। हमारे बच्चे, हमारे पेट या फिर बहुत सारे लोग आते हैं और गाइस पूरे घर को गंदा करके चल जाते हैं। तो अगर आपका भी घर ऐसा ही कुछ गंदा हो जाता है, तो मिले इस कमाल के आई रोबोट से, जो गाइस बहुत ज़्यादा हाई टेक है और गाइस फुल्ली डेवलप्ड कल्चर लेस है। गाइस का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है और गाइस ये आपके घर के सारे गंदे को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके साफ कर देगा। ये टाइप से वैक्यूम क्लीनर है, जो गाइस फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, जो गाइस फुल्ली वर्क करता है और गाइस आपके घर के कोने कोने में जाकर सफाई कर देगा। और कहीं भी गंदा हुआ तो उसे आराम से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किसी बाहर में जाके उसे सिंपली रिलीज कर देता है और आपके घर को एक नंबर साफ कर देता है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है, जो गाइस बहुत ज़्यादा हाई एडवांस होता है। और आपको सिंपली इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देना है और गाइस आपसे जो भी कमांड दोगे, आपके हर कमांड को ऑटोमेटिक फॉलो करने वाला है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके बाय कर सकते हो। तो गाइस, चलिए बढ़ते हो अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। ऑफ स्मार्ट चेस बोर्ड, ऐसा चेस बोर्ड जिसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कूल होता है। अगर आप चेस खेलने के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, तो ये गैजेट स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया। इसका नाम है स्मार्ट चेस बोर्ड। एक ऐसा चेस बोर्ड जो आपके साथ बहुत तगड़ी चेस खेलने वाला है। अगर आप चेस खेलने के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, तो ये गैजेट स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया, जो आपको बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है और आपको शायद हरा भी सकता है। ये फुल्ली कंप्यूटराइज होता है, जो बहुत सारे स्किल से डेवलप किया जाता है और आपके साथ बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है आपको। ये गाइस फुल्ली सेंसर पे बेस्ट होता है, जो गाइस आपके साथ बहुत तगड़ी चेस खेलता है। और अगर आप चेस खेलने के शौकीन हैं या फिर आप चेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो ये गाइस आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके साथ मज़े के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई है, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो गाइस, चलिए बैठते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर।
गाइस चलिए मिलते हैं लैक्टेटिंग लाइटिंग बल्ब से। एक ऐसा बल्ब का डिजाइन बहुत ज्यादा कूल होता है और गाइस ये एक टाइप से जादुई बल्ब होता है जो गाइस ऑटोमेटिक हवा में फ्लोट करता है। इसका साइंस होता है गाइस मैग्नेटिज्म ग्रेविटी। इसके अंदर जीरो ग्रेविटी होती है और गाइस एक टाइप से मैजिक लगता है जो गाइस हवा में फ्लोट करता है। गाइस के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, इसके अंदर से आप कोई भी चीज पास करवाओगे तो इजिली पास कर जाएगी और इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाइस अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो ये देख के चौंक जाएगा कि भाई ये कैसा गैजेट है। अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहो तो गैजेट आपके लिए बहुत द बेस्ट है। अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई है, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो गाइस चलिए बैठते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। गाइस चलिए मिलते हैं फिडजेट ड्रोन से। एक ऐसा ड्रोन जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। अगर आपने फिडजेट स्पिनर को यूज किया है तो ये गैजेट स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है जो ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है और गाइस हवा में ऑटोमेटिक फ्लोट भी करता है। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा कूल होता है। तो अगर आप चाहते हो एक फिडजेट स्पिनर को परचेज करना तो ये गैजेट स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसका बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा कूल होता है और गाइस के अंदर लगे रहते हैं एलईडी लाइटिंग पैनल, मतलब गाइस एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप लगे रहते हैं जो गाइस ऑटोमेटिक ग्लो करते हैं और नाइट में ये बहुत ज्यादा कूल लगने वाला है। अगर आपने बूमरैंग चलाया है, शायद आपने बूमरैंग जरूर चलाया होगा, तो ये बूमरैंग जैसा ही है, मतलब गाइस आपने इनिशियल पॉइंट पे ऑटोमेटिक बैक में आ जाता है। जैसे अगर आप फेंकोगे तो ऑटोमेटिक बैक में आ जाएगा जस्ट लाइक अ बूमरैंग। तो अगर आप इसे बाय करना चाहो तो गाइस लिंक नीचे दी गई है, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। गाइस आपने आरसी कार्ड तो बहुत टाइप के देखे होंगे, तो गाइस चलिए मिलते हैं ब्रुकस्टोन लैंड एंड सी आरसी कार्ड से। मतलब एक ऐसा कार्ड जो गाइस हर स्टेज पे मूवमेंट कर लेता है, मतलब गाइस किसी टेरेन जगह पे मूवमेंट कर लेगा, किसी स्लिपरी जगह पे मूवमेंट कर लेगा, किसी रोड पे मूवमेंट कर लेगा और गाइस वाटर पे मूवमेंट कर सकता है। एक ऐसा फर्स्ट आरसी कार्ड है जो गाइस किसी भी स्टेज पे मूवमेंट करता है। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा स्लिम होता है और गाइस बहुत ही कूल डिजाइन होता है। इसे आप सिंपली अपने टैब से या फिर फोन से कनेक्ट करके इसे मूवमेंट करवा सकते हो और गाइस फुल्ली वाटरप्रूफ है और गाइस ये वाटर पे भी फुल्ली चलने वाला है, मतलब गाइस बहुत इजीली वाटर पे मूवमेंट करता है और गाइस ये कभी टूटने वाला भी नहीं है क्योंकि बना हुआ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से और इसका मेटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो गाइस कभी टूटता भी नहीं है। तो इसका डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बहुत द फैबुलस है और इसके टायर्स में लगे हैं बहुत तगड़े ग्रिप जो गाइस किसी भी स्टेज पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे बाय करना चाहो तो नीचे लिंक दी गई, आप सिंपली लिंक को चेकआउट करके इसे बाय कर सकते हो। गाइस इससे पिछले वीडियो में रखा था एक छोटा सा गिव अवे, तो गाइस गिव अवे का रिजल्ट आ चुका है और गाइस मैंने चार विनर को पिक किया है और गाइस चारों का नाम मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया। तो अगर आप जानना चाहते हो गिव अवे का विनर कौन है तो गाइस आप जाकर सिंपली कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कर लो, वहाँ पे आपको गिव अवे विनर मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और गाइस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।